दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। इस मत से अलग ख्वाब बुना करती है। फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। आज बहुत बड़ा दिन है, आज बिहू के त्योहार की पूजा है, और आज के दिन भी तुम ये सब कुछ पहनकर आ गए। पापा आपको तो पता है ना, कुर्ता पैजामा मुझे सूट नहीं करता। फोर्स मत करो ना प्लीज। फोर्स नहीं किया ना, इसीलिए तो इतनी आजादी मिली हुई है। देखो तुम्हारी बिना वजह की बातों से बच्चे ही परेशान हो रहे हैं। एकू ना हुआ कोपा, तू जा। बाबा अब मैं बच्ची नहीं रही, इतनी बड़ी तो हो गई कि घर की जिम्मेदारी उठा सकूं, और आपके बिना बताए आपके परेशानी समझ सकती हूं। दूसरी चीजों को नहीं सिल सकती। तू क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। किस उलझन में हो मां? मां उल्टे टाके बुन रही हो, बात छिपा रही हो मुझसे। नहायो आप भी बाबा की तरह झूठ बोल रहे हैं ना। बाबा के साथ कुछ देर पहले जो बात हुई, अब वो सोच के परेशान होना। मां इससे कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होती तो बाबा क्या कारखाने जाते? सब ठीक है ऐसे मां, लेकिन कुछ नहीं। फिर सोचने लगी, ला ये मिसिंग देखो। माँ आपको चिढ़ने ही आ रही, मैंने आपके हाथ से कपड़े लिए तो? नहीं मैं रसोई में जाती हूँ, अभी तक नाश्ते के लिए कोई तैयारी नहीं की। मोहियो आई असु, मायना और धोन उठ जाएंगे तो नाश्ता मांगेंगे। सब एकदम ठीक ही आसे, सही कहती है, सब एकदम ठीक यहां से। मां आपको तो मैंने समझा लिया, लेकिन मैं खुद को कैसे समझाऊंगी? मेरी भी तो वही उलझन है।
दीदी आप? हाँ मैं ना तुम्हारे कपड़े सिल रही थी, सोचा कि तुम्हें सरप्राइज थी। ये लो का ऐसे तो इको ना दीदी, दिखाओ दिखाओ। सिंगिंग ऑडिशन का फॉर्म? अवनी तू नहीं सुधरेगी। दीदी आप तो जानते हैं ना, सिंगिंग मेरा फैशन है, मेरा शौक है, मेरा कैरियर है, सिंगिंग मेरे लिए सब कुछ है दीदी। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो मैना, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें, इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे पास, बाद में कर लेना ये सिंगिंग विंगिंग। प्लीज 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 दीदी आप ये बात किसी से मत कहना। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे किसको बताना है या नहीं। अब दीदी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, बस इतना समझ लो अपनी कि हर चीज की एक लिमिट होती है और हर काम का एक वक्त होता है। दीदी मैं समझती हूँ। तुम बस समझती हो, मानती कुछ नहीं। नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं है, मैं आपकी ना बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और अब से आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। खूब बात अवनी, पढ़ाई पहले और बाकी सब चीज बाद में, और ये चीज तुम अपने दिमाग में रख लो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। ओके दीदी। मायना, माने कहीं मेरी बात तो नहीं सुन ली। आ गई तू, फुर्सत मिल गई तुझे, काम में तो हाथ बटाना नहीं है और फिर कुछ कहूंगी तो कहेगी कि चिढ़ती है। अब ये थपेड़े लगाने में कहीं कॉलेज की छुट्टी ना हो जाए। होबो माँ, माँ माँ, इसका सजना तो इतना आज का थोड़ी है। अब माँ वो अगले महीने से परीक्षा है तो कुछ चीजें मुझे लेनी थी। 60 रुपए मिल सकते हैं? से काम चल जाएगा क्या? ओ माँ, जो रह जाएगा वो मैं आभा से ले लूंगी। माँ पैसे मैंने भी तो मांगे थे। अब तेरे मेकअप के सामान के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जानती नहीं है बाबा की क्या कमाई है। अब तुम बच्ची नहीं रह गई हो, और कुछ कहूंगी तो बोलेगे कि चिढ़ती है। बस बस माँ, तुमने ना पूरा गाना ही सुना दिया। मायना, मायना खुनसून, ये लड़की भी ना एक का खत्म होता है तो दूसरे का चालू। अरे मुझे तो सारा दिन ताक में रहना पड़ता है, फिर चिढ़ू नहीं तो और क्या करूं। इसे देखो ये अभी तक सो रहा है। धोन उठ जा। देखो कोपा और मैना दोनों कॉलेज चले गए हैं, तुम्हें नहीं जाना क्या? अरे क्या कॉलेज वाले बैंड बाजे बारात के साथ तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें ले जाने के लिए? हाँ तुझे सोने दिया ना तो कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को तो तू तोड़ ही सकता है। चल उठ।
पता नहीं कॉलेज इतनी जल्दी क्यों खुल जाता है यार। तेरा बस चले ना तो कॉलेज कभी खुले ही नहीं। अरे बेटा बीहू खत्म हो चुका, उसकी छुट्टियां भी खत्म हो चुकी, अब तो थोड़ा चुस्त हो जा, अपनी दीदी कोपा से कुछ तो सीख। बस डेली का रिपीट टेलीकास्ट चालू। माँ आपको पता है आप ना एक नॉनस्टॉप सीरियल हो सीरियल। तू सीरियल कहे या जो मर्जी कहे पर एक बात सुन ले, तू अपने बाबा के पैसों को और मेरी मेहनत को बर्बाद मत कर। अपनी बड़ी दीदी कोपा से कुछ सीख। उठ रहा हूँ माँ उठ रहा हूँ, तुम्हें ना बस एक मौका चाहिए होता है। हाँ और तुम और मायना वो मौका दे भी देते। अरे कोपा को देखो कब से उठी हुई है, सारे काम निपटा करके कॉलेज भी चली गई। हाँ अब इस घर में कोई महान है तो बस वो कोपा दी तो है, हम दोनों की इज्जत तो बस डांट खाने तक की है। मैंने ऐसा कब कहा? अरे मेरी माँ कहती नहीं हो पर करती तो सब ऐसे ही हो, हर जगह बस इस घर में कोपा दीदी का नाम तो छाया रहता है। धोन तुझे नहीं उठना है तो मत उठ, लेकिन कोपा के बारे में कुछ मत कह, समझ गया? जितना कोपा करती है ना अगर तू उसका आधा भी कर ले तो हमारी जितनी भी परेशानियां सब खत्म हो जाए, बुझी सो? बस कर मेरी माँ बस कर, उससे तो मजाक करना भी बेकार है। Just chill. अरे तू चिल विल छोड़, चल उठ, चल नहा जा। जा रहा हूँ नहाने जा रहा हूँ। एक इतना बड़ा काम और खत्म हो गया, अब इसे देखो बिस्तरा भी नहीं बना, सारे काम तो बस मैं ही करूं। हाय माँ। हाय बेटा। खूब बाल गरम गरम भिंडिया बनाई ना आपने। भिंडी की खुशबू तो तुमको कहीं से भी आ जाती है ना? मेरी फेवरेट जो है। अच्छा विक्रांत दुकान जाओ और ये टिफिन अपने पापा को देके आओ। मुझे जब भी कहीं जाना होता है तभी आपको काम क्यों याद आता है? नहीं, जब मुझे कोई काम होता है ना तभी तुम्हें बाहर जाना होता है। मैं नहीं जाऊंगा, एक्चुअली मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं लेट हो गया हूँ, शंकर को भेज दो। शंकर को पहले ही बाजार भेजा है, अब वो आने तक तो खाने का टाइम खत्म हो गया होगा। तो अपने पापा को जानते हो ना, टाइम के कितने पक्के, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। हाँ पर मैं नहीं जाने वाला। अब तुम्हारे पापा भूखे ना रह जाए इसलिए मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर बस 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 माँ ये इमोशनल ड्रामा मत करो प्लीज, मैं आपकी बात में आ गया, दो जाऊंगा मैं टिफिन लेके, अपना ध्यान रखना। बाय बाय। देखो कितना लापरवाह है, प्रेस ऐसे ही छोड़ दिया। आंबा भी ना फोन भी नहीं लग रहा है, आज तो इसके 12 बजने वाले, तब आएगी। सॉरी 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 कोपा सॉरी। टाइम क्या हो रहा है? 10:10 तुरमूर्तु 10:30 हो रहा है। सॉरी कोपा सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गई थी यार, सॉरी। थोड़ा? आधे घंटे लेट हो तुम, घर पर सब कुछ जल्दी करवाओ, खुद भाग भाग कर आओ। और ये मैडम एक वक्त पर नहीं आती, ना इनका फोन लगता है। अरे पहले बता दी थी, कम से कम मैं अपने इकोनॉमिक्स की क्लास तो अटेंड कर लेती। तुम्हारी वजह से मेरी क्लास मिस हो गई, कोई चिंता है या नहीं तुम्हें? गोपा सारी चिंता तो तुमको ही रहती है ना। और नहीं तो क्या, हम तो कुछ करते ही नहीं है, मैं अपने फोन का ईयरफोन लाना भूल गई थी। तो का मतलब? कोपा अगर मैं ईयरफोन्स नहीं लाती तो आप मैडम गाने के मजे कैसे उठाती? हो लारू, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी वजह से लेट हो गए। और नहीं तो क्या,
मुझे गाने सुनने का शौक नहीं है क्लास के बाद। काम तुम्हारा और नाम हमारा। ओहो हो, खूब भाल। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेट तुम आओ, एयरफोन्स तुम भूल जाओ, क्लास मेरी मिस हो गई और तुम मैडम मुझे ब्लेम कर रही हो। हाँ तो भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हेलो, यही तो कह रही हूँ मैं तुमको, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है कोपा। बात दे, अब चल वरना दूसरी क्लास में मिस हो जाएगी मेरी वजह से। सॉरी 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 कोपा, चल ना चलते क्लास में। मम्मी, दादी। हाँ हाँ पता चल गया है कि तू घर में आ गया है। दादी सो रही है, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। अभी तक मैं तो ठीक है ना? शायद गोलियों की वजह से सो रही हूँ। जॉगिंग पूरा हो गया हो तो थोड़ा खुद के लिए भी फुर्सत निकाल ले। की होर माँ? मैं सोच रही हूँ तुझे तो अपने लिए सोचने की फुर्सत है नहीं, तो क्यों ना तेरे लिए सोचने वाली एक लड़की घर में ले आ। माँ ज्यादा ना सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है। पहले दादी सारा दिन शादी के विषय पढ़ रहती थी, अब तुम शादी की बात करने लगी हो। पर बेटा बात तो सही है ना? माँ क्या तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती? मैं तेरी दुश्मन थोड़ी हूँ बाबू, और आने वाली भी तेरी दुश्मन थोड़ी होगी। अब तुम ना बिल्कुल दादी की तरह बात करने लगी हो। दादी की तरह नहीं, दादी के लिए बात कर रही। देख बेटा, दादी की तबीयत अच्छी नहीं रहती और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो जाते जाते तेरी बहू का चेहरा देख ले। उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी माँ, एक बार एमकॉम तो करने दो। पर बेटा दादी उतनी राह नहीं देख पाएंगी। माँ कुछ नहीं होगा दादी को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा नहीं था कि उम्र की वजह से थोड़ी सी वीकनेस है बस। बेटा उम्र ही तो कारण है जिसके लिए मैं तुझे शादी करने के लिए कह रही हूँ। माँ मुझे इतनी जल्दी कोई शादी नहीं करनी। लेकिन बेटा और ना ही उसके बारे में कोई बात करनी है। पर ऐसा सोचने में क्या हर्ज है, सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। माँ फुल स्टॉप, मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है, मोई जाओ। बेटा राजीव तुम तो मस्का मारना तो कोई तुझसे सीखे। चला मुझे जाने दे। डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट आने वाली थी, अभी नहीं, अभी नहीं आई संतोष जी। आपके सैंपल्स मैंने जांच के लिए मुंबई भेजे हैं, रिपोर्ट वहीं से आनी है, थोड़ा और वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब वो बहुत बेचैनी सी हो रही थी और उस कारण काफी टेंशन भी हो गया था, इसलिए रिपोर्ट जानने की जल्दी थी। बेचैनी तो होगी पर धीरज रखिए, दवाइयों का असर हो रहा है। वैसे आपकी खांसी पहले से बढ़ी है कि कम हुई है? खांसी बढ़ी तो नहीं पर कम भी नहीं हुई। हाँ लेकिन दवाइयों का असर तो हो रहा है। देखिए मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपको सिर्फ खांसी हो, बाकी सब मेरा वहम हो और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आए। वैसे मुझे जो कुछ कहना है वो मैं रिपोर्ट आने के बाद ही कह सकता हूँ। जी समझ गया। और संतोष जी आपको कम मेहनत करना चाहिए थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब मिडिल क्लास परिवार है, आराम तो हमारी जिंदगी में है का, और अगर मैं आराम करने लगा तो परिवार का पालन पोषण कैसे? पर उसके लिए तो शरीर की हालत भी ठीक होना चाहिए। घर के हालात जो हैं डॉक्टर साहब, उन हालातों में शरीर की हालत अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन आप तो बीड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां तंबाकू और केमिकल्स आसपास होते हैं, उससे तो और मुसीबत बढ़ सकती है।
आप अपनी हालत तो देख ही रहे हैं। हालत जो भी है डॉक्टर साहब है, और अब इस उम्र में दूसरी नौकरी देगा कौन, वो भी तो मुश्किल है। वो बात भी है। संतोष जी, आप जब भी आते हैं अकेले आते हैं, आपके साथ क्यों कोई दूसरा नहीं होता? कुछ बताना नहीं चाहिए। मैं समझ सकता हूं। दुआ करता हूं कि आपकी रिपोर्ट ऐसी आए कि किसी को कुछ बताने की जरूरत ही ना पड़े। हाय गोपा। हाय राजी। कैनी आसा तुम्ही? मुई ठीक है आसू। अरे तुम्ही? मैं परफेक्ट एज ऑलवेज। ओ हेलो, मुई हूं आसू या कोई मुझे भी हाय हेलो कर लो। क्या पढ़ रहा है? कितना पढ़ता है यार। अबे यार विक्रांत, नेक्स्ट मंथ हमारे एग्जाम्स हैं और वैसे भी ये लास्ट ईयर है, और मैं तुझे भी पढ़ाई के लिए फोर्स करूंगा। थैंक्स भाई, पढ़ाई बढ़ेगी हमेशा।